हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल विनू डायरीज। क्या करें जब पति पत्नी में ना बने, आज मैं यही वीडियो लेकर आई हूं। और आप सबके ढेर सारे कमेंट आते हैं जहां पर मुझे जेंट्स भी बताते हैं और लेडीज़ भी बताती हैं कि पता नहीं आजकल क्या हो गया है हमारे रिश्ते में कि आपस में दोनों की नहीं बनती हैं। पत्नियां जहां पर बताती हैं कि जब भी हम पति के साथ बात करते हैं, कुछ भी पूछते हैं, हमेशा बस गुस्से से चिड़चिड़े ही रहते हैं। कभी ना तो बैठकर बात करते हैं, ना हमारी सुनते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कहीं इनकी लाइफ में कोई दूसरी तो नहीं आ गई है, कहीं हमारा रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो रहा है, कभी कभी ये लगता है। वहीं पर मुझे जेंट्स भी बताते हैं कि मैम, मेरी आजकल मेरी पत्नी के साथ नहीं बनती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी पत्नी लड़ाई झगड़ा करके मायके चली गई है, फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन बंद आता है, अगर बात करने की कोशिश करता हूँ, लेने के लिए जाता हूँ तो रूडली बिहेव करती है। पता नहीं आजकल हमारे रिश्ते में क्या हो गया है। कहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि मैम, आजकल जब भी ऑफिस से घर आता हूँ, पत्नी के पास टाइम नहीं होता है बात करने के लिए, वो रेस्पेक्ट नहीं करती है या वो अच्छी तरह से बात नहीं करती है। ऐसे ही आपके ढेरों क्वेश्चन हैं दोस्तों, बहुत सारी मेरे पास कमेंट आते हैं इस रिश्ते को लेकर। तो आज मैं यही वीडियो लेकर आई हूँ कि क्या करें जब पति पत्नी में ना बने, आज का हमारा यही टॉपिक है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर नए हैं, पहली बार ही इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अब आते हैं पॉइंट्स पर। फर्स्ट नंबर का पॉइंट है दोस्तों, सेटिस्फेक्शन। देखिए, इस रिश्ते में ना सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। पति अपनी पत्नी से भी करे और पत्नी अपने पति से भी करे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लेडीज़ या कुछ जेंट्स ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरी शादी ऐसी लड़की से होनी चाहिए थी या मेरी शादी ऐसे लड़के के साथ होनी चाहिए थी, जो कि गलत है। देखिए, पहले आप क्या सोचते थे, पहले आप क्या करते थे, वो सब चीज़ें भूल जाइए। अब यहाँ पर आपकी शादी हो गई है, आपका एक पार्टनर हो गया है, तो अपने पार्टनर को दिल से स्वीकार करिए। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, इसी में ही हम लोग क्या करते हैं कि उम्मीदें लगा लेते हैं। बहुत बार हमारी कुछ ऐसी उम्मीदें होती है कि हमारा पार्टनर जब वो पूरी नहीं करता ना, तो इस वजह से भी हमारे बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे पत्नियां ये सोचती है कि पति को मेरा बर्थडे या मेरा कुछ ऐसे चीज़ें याद रहे, जैसे कि लेडीज़ को लगता है करवा चौथ का या कोई भी फंक्शन होता है कि पति इसको याद रखे, मेरे लिए अच्छा अच्छा गिफ्ट लेकर आए, और जब पति नहीं लेकर आते तो वो मुँह फुला लेती हैं। ये भी बहुत गलत है। देखिए, सभी का नेचर अलग होता है, सभी एक जैसे नेचर के नहीं होते। हो सकता है आपके फ्रेंड के हस्बैंड का कुछ नेचर अलग हो, वो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, वह उनको घुमाने ले जाते हैं, और उनका नेचर ऐसा नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग नेचर के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पति में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि उनके पति अच्छे हैं। कभी उनके घर में झांकिए, उनमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं। दोस्तों, दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके पति में अच्छाई कुछ भी नहीं है, बस आपको वो नज़र नहीं आती है। तो उम्मीदें कम रखिए, सेटिस्फेक्शन रखिए अपने पति से भी। और वहीं पर पति को भी बोलना चाहती हूँ कि अपनी पत्नी से आप कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगाते हैं कि अब मैं ऑफिस से आया हूँ तो बस पत्नी खड़े हो जाए, मेरे लिए चाय बनाए, मेरी सेवा में लग जाए। कभी कभी बिजी भी रहते हैं, कभी कभी घर में इतने काम होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बस पत्नी आपकी आपके घर आते ही सेवा में लगी रहे, आपकी पत्नी इतनी सेवा करे। ये उम्मीदें रखनी बंद करिए। जो भी है कोई बात नहीं, जैसे भी है आपकी पत्नी है, अच्छी है। और दोस्तों, टाइम के साथ ना सब चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो जाती है। अगर किसी का नेचर है वो आपको इग्नोर करता है, अगर किसी का नेचर है वो आपसे थोड़ा कम बोलता है, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा बात कर लीजिए, आपकी पत्नी है या फिर वो आपके पति है। टाइम के साथ साथ ना कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो अपने आप को उसमें ढालिए, अपने आप को एक दूसरे से संतुष्ट रखिए कि जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत पसंद है, अब ये मेरे लाइफ पार्टनर है। दोस्तों, जब हम ऐसा सोचेंगे ना, तो जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो धीरे धीरे ना कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अपने उस प्रॉब्लम को ढूंढिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है, आखिर किस वजह से हमारे बीच लड़ाई झगड़ा होता है। क्योंकि अगर हम उस प्रॉब्लम को नहीं ढूंढेंगे तो हम सॉल्यूशन भी नहीं जानेंगे। तो अपनी प्रॉब्लम ढूंढिए, क्योंकि कुछ लेडीज़ बताती हैं कि पहले रिश्ता बहुत अच्छा था, हम दोनों आपस में बैठते थे, बातें करते थे, एक दूसरे को समझते थे, लेकिन अब अचानक से पता नहीं क्या हो गया है कि पति का बिहेव चेंज हो गया है, वो थोड़ा सा कम बात करते हैं, रूडली बात करते हैं, देर से घर आते हैं।
तो देखिए ना किस वजह से ऐसा हुआ है, कहीं आपके बिहेव में चेंज आया है कि उसको पति उस वजह से परेशान रहते हैं, या फिर कितनी बार होता है कि लेडीज़ क्या करती है पूरा दिन बिजी रहती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो वो भी फिर अपने ऑफिस में टाइम स्पेंड करते हैं, सोचते घर में जाऊंगा तो वही लड़ाई झगड़े होते हैं, पत्नी मेरी बिजी रहती है, उनको भी 10 तरह के काम होते हैं, इससे अच्छा तो यहीं पर दोस्तों में ही अपना टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब देखिए अपनी प्रॉब्लम को ढूंढिए और उसके सॉल्यूशन तक पहुँचिए। वहीं पर मैं हस्बैंड को भी बोलना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि मायके में वाइफ चली गई है, किसी वजह से झगड़ा हो गया है, तो उस झगड़े को देखिए ना किस वजह से झगड़ा हुआ है, उनका फ़ोन बंद आ रहा है, क्यों बंद करती हैं फ़ोन, आप उन्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं करते हैं, आप उनकी बातें सुनते हैं, इग्नोर तो नहीं करते हैं, रीज़न क्या है, किस वजह से वाइफ ऐसा कर रही है। दोस्तों आपको अपनी प्रॉब्लम जानना बहुत ज़रूरी है, क्यों झगड़ा होता है, किस वजह से झगड़ा होता है, इसको भी एक बार ज़रूर जानिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि झगड़ा होने के बाद आपस में बातें करना बंद ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि झगड़ा हो गया है तो आप एक दूसरे से मुंह फुला लेते हैं, बात नहीं करेंगे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने महीने हो जाते हैं, लेडीज़ लड़कर अपने मायके भी चली जाती हैं, जेंट्स भी अपना सोचते हैं कि गई तो गई कोई बात नहीं, मैं भी अब ईगो में ले लेता हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगा, ये हो जाता है, और उससे क्या है तनाव बनता है, नेक्स्ट टाइम जब हमारा झगड़ा होगा ना उससे ज़्यादा ही होगा। आप ऐसा मत समझिए कि आप लड़ाई झगड़ा करके मायके चली गई हैं या फिर आपने बात करना बंद कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम झगड़ा नहीं होगा, नहीं दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है। जब बातें बंद होती है ना तो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ता है, आपस में तनाव और ज़्यादा बढ़ता है, तो आप ये मत करिए, जब भी झगड़ा हो तो झगड़ के मायके जाना या लड़ाई झगड़ा करके बातें बंद करना ये बंद कर दीजिए, आपको बातें भी करनी है और झगड़ के इधर उधर भी नहीं जाना है। जो भी है उस प्रॉब्लम को डिस्कस करिए, उस टाइम पर नहीं थोड़ी देर बाद करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने सॉल्यूशन तक जाइए, प्रॉब्लम ख़त्म करिए और बातें करना बंद मत करिए। आपस में बातें होती रहती है ना तो अपने जो डाउट्स हैं वो साथ के साथ क्लियर होते रहते हैं, तो आप ऐसा भी मत करिए। अगर लग रहा है कि आप दोनों के आपस में नहीं बन रही है, आजकल ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप बातें करना बंद मत करिए, धीरे धीरे अपने आप ही आपस में प्यार बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बहस करना। आपस में अगर लड़ाई झगड़ा होता है ना, आपस में नहीं बनती है, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये रहता है कि आपस में पति पत्नी बहस करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में किसी भी एक बात को लेकर अड़ जाते हैं कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ, वो बोलता है मैं सही हूँ, आपस में बहस करते रहते हैं। बहस से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, आपस में तनाव होता है। आपको क्या करना है, जब भी बात आपकी बढ़ जाए, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब बहस पे आ गए हैं, अब ये अड़ गए हैं, तो आप बंद कर दीजिए, आपका क्या जा रहा है आप वहीं पर क्लोज़ कर दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं ऐसा ही होगा। और वैसे भी जब तक हमें किसी चीज़ के अच्छे से जानकारी नहीं है, देखिए किसी भी पॉइंट को लेकर दो लोग जब बहस करते हैं ना तो एक तो गलत ही होता है, एक ही सही होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा बहस पे आते हैं, एक बोल रहा है कि ये सही है, एक बोल रहा है ये सही है, दोनों में से एक तो गलत ही होता है, एक ही तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक होता है। हाँ घुमा के हम उसको दे सकते हैं लेकिन आंसर आपका एक ही होता है, रास्ता अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही होती है। तो आपको अगर कभी भी ऐसा लगे कि बहस पे बात आ गई है, दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, तो वहीं पर बंद कर दीजिए, और बल्कि बहस की बजाय ये बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं, शायद ऐसा हो सकता है। दो समझदार लोग जब आपस में बात करते हैं ना, वो किसी चीज़ को किसी भी तरह से कोई श्योरिटी नहीं देते कि ऐसा ही होगा, 100% मैं श्योर हूँ, वो श्योरिटी नहीं देते, वो हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, शायद ऐसा होगा, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करके देखें, शायद ये बेटर रहेगा, तो सामने वाला उसको समझ लेता है कि शायद हाँ ये अच्छा रहेगा। बहस से कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़े ही होने हैं, तो प्लीज़ जब भी बात बहस पर आ जाए तो वहाँ से निकल जाइए, वहाँ से हट जाइए, कोई बात नहीं ऐसा ही होगा, कोई नहीं, अगर आप सही हैं तो बाद में पता चल ही जाएगा ना कि आप सही हैं, उस टाइम तो आपका लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी लड़ाई झगड़ा होने के बाद अपने परिवार वालों को या अपने रिश्तेदारों को या पास पड़ोसी को बीच में लेना, ये भी बंद कर दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि लड़ाई झगड़ा होता है, जो लेडीज़ होती हैं वो अपनी मम्मी पापा को बुला लेती हैं कि आ जाओ इन्होंने आज ये किया, हस्बैंड भी होते हैं वो भी दो लोगों के बीच में बात रखते हैं कि इसने आज ये किया, जो कि गलत है, जिससे कि रिश्ते में और ज़्यादा तनाव होता है और ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं।
दो लोगों के बीच लड़ाई हुई है तो दो लोगों के बीच ही ख़त्म करिए। आप पति पत्नी हैं, आपसे अच्छा कोई और हो सकता है, आपसे अच्छा कोई और एक दूसरे को समझ सकता है, नहीं ना? फिर आप इसी चीज़ को समझिए ना कि जब दोनों आप बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों आप एक दूसरे को समझते हैं, तो फिर बीच में क्यों लेते हैं? आजकल ये बीच में लेना आपने क्यों स्टार्ट किया है, इसको बंद कर दीजिए। कि कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है और हम उसको बुला लेते हैं, वो उसको बुला लेता है और उनको फैसला लेने देते हैं। आप लोगों की बातें हैं आप लोगों के बीच में ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाहर वाले आज आपके अपने हैं लेकिन कल वो अपने नहीं होंगे, आप लोगों की हंसी ही उड़ाएंगे। आप इस बात को समझिए, बाहर वाले आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन तक नहीं जाने देंगे, वो आप लोगों की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। देखिए चाहे पेरेंट्स भी होते हैं, वो पेरेंट्स भी यही सोचेंगे कि मेरी बेटी सही है। जो अगर लड़के के होते हैं तो सोचते हैं मेरा बेटा सही है। ईगो पे आ जाती है तब चीज़ें ईगो पे आ जाती है। आप ये भी करना बंद कर दीजिए, अपने फैसले दूसरों से कराना बंद कर दीजिए, खुद ही करिए। कोई बात नहीं, आज कल परसों जब भी टाइम मिले, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, आज पति को टाइम नहीं है बात करने का, ऑफिस जा रहे हैं, कोई बात नहीं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, लेकिन किसी को बुलाना उससे बात कराना जो कि गलत है। दोनों के लिए ही बोल रही हूँ, अपने लड़ाई झगड़े अपने तक ही सीमित रखिए, अपने तक ही उसको बनाए रखिए और अपने आप ही उसको सोल्व करिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती हैं, प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, इसको अभी ही सब्सक्राइब करिएगा।